हेलो फ्रेंड, मैक्स है और आप देख रहे हैं जीनियस प्लांट मास्टर। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इनर्मी हाउस प्लांट के बारे में। दोस्तों, हम इसे कटिंग से आसानी से कैसे तैयार कर सकते हैं दोस्तों, और जो सबसे ज़रूरी बात होती है दोस्तों कि कटिंग हमें कितने साइज में लेना है, कटिंग हमें कितने साइज में नहीं लेना चाहिए दोस्तों, और इसके लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए दोस्तों, सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिल जाएगा। यदि आप लोग इस प्लांट को हमसे ख़रीदना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से ख़रीद सकते हैं दोस्तों। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग वहाँ से जाकर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, चलिए हम इस वीडियो को प्रैक्टिकली स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, जिसमें हमें कटिंग को तैयार करना है उसको हम सबसे पहले तैयार कर लेते हैं दोस्तों। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमें इसकी गुड़ाई कर लेनी है दोस्तों, सही तरीके से, और गुड़ाई बहुत ही अच्छी तरीके से करनी है दोस्तों, जिससे कि हमारी मिट्टी चूर चूर हो जाए दोस्तों। तो कुछ इस तरीके से गुड़ाई कर लेनी है दोस्तों हमें। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से हम लोग अपनी क्यारी को तैयार कर लेते हैं दोस्तों। तो कुछ इस तरीके से आप लोग भी अपनी क्यारी को तैयार कर लेना दोस्तों। तो अब हम बात कर लेते हैं पॉलीथीन के बारे में दोस्तों। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग कुछ इस तरीके की पॉलीथीन में अपने प्लांट को तैयार करते हैं दोस्तों। ये कुछ इस तरीके की पॉलीथीन है दोस्तों, और ये पॉलीथीन बहुत ही बिखरी हुई है, तो मैं कुछ इस तरीके से इकट्ठा कर लेता हूँ, और इसमें छेद करना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। इसमें हम लोग तीन छेद करते हैं, दो छेद करते हैं नीचे जो लाइन है उसके ऊपर करते हैं, और एक कुछ इस तरीके से बीच में कर देते हैं दोस्तों। तो देख सकते हैं ये पॉलीथीन हमारी कटिंग के लिए तैयार है दोस्तों। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि कटिंग तैयार करने के लिए मिट्टी कैसे होनी चाहिए। ये जो मिट्टी देख रहे हैं दोस्तों, प्योर गार्डन सॉइल है, और इसमें सबसे ज़रूरी बात ध्यान देने वाली क्या होती है ना, तो इसमें किसी प्रकार के कूड़े कबाड़े होने चाहिए दोस्तों, कंकड़ पत्थर नहीं होने चाहिए। हमारी मिट्टी बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए दोस्तों, और हमारी मिट्टी जितनी ही भुरभुरी रहती है दोस्तों, उतनी ही अच्छी तरीके से हमारा प्लांट ग्रो होता है दोस्तों। तो दोस्तों, अब बारी आती है इस पॉलीथीन में हमें मिट्टी डालने की। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इसमें मिट्टी कैसी डाली जाएगी, तो सबसे पहले इसे क्या करना है दोस्तों, इस पीने को अलग अलग कर लेना है, कुछ इस तरीके से अलग अलग हो जाएगी दोस्तों। अब इसमें मिट्टी डालेंगे हम, मिट्टी जो डालनी है दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कुछ इस तरीके से पिन्नी को पकड़ लेना है, फिर अपने हाथों की मदद से पिन्नी में कुछ इस तरीके से मिट्टी को डाल देना है, और कुछ इस तरीके से पतला भी कर लेना है दोस्तों अपनी पॉलीथीन को। ऐसे ही हम लोग अपनी पॉलीथीन को तैयार करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कटिंग हमें कैसे लेनी है दोस्तों, किस साइज की लेनी है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, यदि अगर इस तरीके की कटिंग है तो हमें बिल्कुल भी नहीं लेना है, ये कटिंग के लिए परफेक्ट नहीं है दोस्तों। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कटिंग कैसे लेनी है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, ये कटिंग के लिए बहुत ही अच्छा है दोस्तों। तो हमें कुछ इस तरीके की कटिंग काट लेना है, कम से कम 6 से 7 गांठें होनी चाहिए दोस्तों, और हमारी कटिंग के लिए 5-6 गांठ के भी चलेंगी। कुछ इस तरीके की कटिंग लेनी है आप लोगों को, तो इस तरीके की कटिंग हम लोग काट लेते हैं दोस्तों जल्दी जल्दी। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कटिंग हमारी तैयार हो चुकी है दोस्तों, इसे हमें कितने गांठों तक के हमें पत्ते रिमूव करने चाहिए दोस्तों। कम से कम हमें 2 से 3 गांठों के पत्तों को कुछ इस तरीके से हटा देना है दोस्तों। ऐसे ही सारी कटिंग के पत्तों को हम लोग हटा लेंगे दोस्तों। अभी हमारी कटिंग लगने के लिए तैयार हो गई है। तो दोस्तों, मिट्टी को कैसे करना है तैयार, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, एक बार कटिंग लगाने से पहले बहुत ही अच्छी तरीके से इसे गीला कर देना है दोस्तों। कुछ इस तरीके से मिट्टी हमारी गीली हो जानी चाहिए दोस्तों। अब हम क्या करते हैं, जिन गांठों के पत्तों को हमने अपनी कटिंग को तैयार किया था दोस्तों लगाने के लिए, अब उसे हम लगाते हैं। तो लगाना कैसे है, जो हमने 2 गांठों के पत्तों को हटाया था दोस्तों, उसे कुछ इस तरीके से अपने पॉलीथीन में लगा देना है दोस्तों। ऐसे ही सारी कटिंग्स को हम लोग लगा लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि हमें अपनी कटिंग को कितने दिनों के लिए छांव में रखना चाहिए दोस्तों। जो ज़रूरी होता है दोस्तों कटिंग को छांव में रखना, कम से कम 20 दिन दोस्तों, जब तक हमारे कटिंग में रूट्स आ जाते हैं दोस्तों। और जो कटिंग को छांव में रखना है दोस्तों, सुबह सूर्य निकलने से पहले हमें इसके ऊपर छांव कर देना है, और शाम को सूर्य ढलने के बाद हमें इसके ऊपर से हटा देना है दोस्तों। फिर इसके ऊपर हल्का सा फुहारा मार देना है दोस्तों पानी से। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से हम लोग भी अपने घर पर कटिंग तैयार कर सकते हैं दोस्तों।
तो ऐसे ही आप लोग भी अपने घर पर कटिंग को तैयार कर लेना दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और साथ ही साथ अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें दोस्तों। यदि आप लोग ऐसे प्लांट्स अपने ख़रीदना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से ख़रीद भी सकते हैं दोस्तों। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग वहाँ से जाके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो जल्द ही मिलता हूँ ऐसे ही न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।